यमुनानगर के गांव क्रेड़ा में एक गुरुद्वारे के ग्रंथी की लोगों ने पहले तो जमकर पिटाई की और बाद में उसे जूते का हार पहनाकर उसकी वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर लोड कर दिया। आरोप है कि ये ग्रंथी गांव की ही एक महिला को भगाकर ले गया था और वह भी तब जब महिला के पति की मौत के कुछ दिन नहीं बीते थे और उसकी क्रिया के दिन ही ग्रंथी उसे वापस गांव में लेकर आ गया। फिलहाल गांव की पंचायत के बाद अब मामला पुलिस की चौक जी। मतलब कि वो ग्रंथी सिर्फ नाम दाम दा हैगा सी, ओदी नेचर बहुत गलत सी और कुड़ियां भी साडियां गुरुद्वारे जांदे हुए डरदी सी बहुत ज्यादा और सिर्फ नाम नाम दा ग्रंथी हैगा सी ओ। और स्टार्टिंग तो ही मतलब कि ओदे दिल च की सी किसी नूं नहीं पता, लेकिन हौले हौले अपने उन्हें अपना रंग दिखाना शुरू करता सी और साडे पिंड दी कुड़ी लैके भजिया सी उत्थों। बट ओ किसी भी गुरुद्वारे च रहण दे लायक नहीं हैगा, कोई ग्रंथी कुआन दे लायक भी नहीं हैगा। पुलिस ने इस ग्रंथी के खिलाफ मामला दर्ज कर इसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वहीं लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे व्यक्ति को गांव में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ये गांव की लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें धमकाया भी करता था। ये गांव करेड़ा से हमारे पास फोन आया था, गुरुद्वारे के पास झगड़ा हो गया, तो हमारी पुलिस पार्टी वहाँ गई थी गाँव में। गाँव में देखा वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे और उसको पकड़ा हुआ था, तो गांव वाले कह रहे थे भाई ये ना गुरुद्वारा में इसने इंटर किया है और जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है उसको बेअदबी की है, तो उन्होंने कंप्लेंट दे दी, तो हमने उस कंप्लेंट में खुद मदद कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ जी नहीं भाग गया तो नहीं हुआ, उसके एक लिव इन रिलेशन में रह रहा है गाँव की, वहीं लड़की भी है, वो गाँव की बहू भी है। हाँ वो यही रोज़ था गाँव वालों ने भाई ये गाँव पहले यहाँ गुरुद्वारा में रहता था, एक धार्मिक काम करने वाला आदमी काम करे। यमुनानगर से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।